योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म तानाजी। तो योगी सरकार का ये बड़ा फैसला, यहाँ पर यूपी टैक्स फ्री हुई फिल्म तानाजी। अजय देवगन की फिल्म है तानाजी और द अनसंग वॉरियर। तो 12 जनवरी को अजय देवगन ने सीएम योगी से इस फिल्म को लेकर बात की थी। फिल्म में अजय देवगन ने तानाजी मासूलरे की भूमिका निभाई है। तो तानाजी मासूलरे की वीर गाथा से प्रेरणा लेने के लिए टैक्स फ्री ये फिल्म हुई है। तो आपको बता दें कि योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और अब यूपी में चुनाव के बाद तानाजी जो है वो टैक्स फ्री हुई है। तो तानाजी मासूलरे की वीर गाथा से प्रेरणा लेने के लिए ये फिल्म टैक्स फ्री हुई। छोड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए कर्ज छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक कोंढाणा पर फिर से भगवा नहीं लहराता, हम जूते नहीं पहनेंगे। बाबा, सब कह रहे हैं कि उदयवान के पास बहुत बड़ी सेना है, कैसे हराएंगे? और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, योगी सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है, तानाजी यूपी में टैक्स फ्री हुए। जी देखिए, बिल्कुल आशिमा जी, आपको बता दें जिस तरह से इस फिल्म को काफी दर्शक पसंद कर रहे हैं और लगातार जो क्रिटिक्स हैं उन पर भी काफी अच्छे रिव्यू इस पर आए हैं। और खुद अजय देवगन ने, जिसमें इन्होंने खुद एक तानाजी का रोल निभाया, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पर्सनल कहा था कि इस मूवी को यूपी में टैक्स फ्री किया जाए, जिसके बाद कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया और इस फिल्म को करमुक्त किया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं से दर्शकों के अंदर भी एक उत्साह है इस बात को लेकर कि जिस तरह से इस मूवी को टैक्स फ्री किया गया है, क्योंकि देखिए इसमें इतिहास की कहानी दिखाई गई है जिसमें मुगलों से भीषण युद्ध करते हुए किले को हासिल कर लिया था। तो कह सकते हैं कि एक तरह से ये जिसमें पहले की जो हमारा इतिहास है उसको दिखाया गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मूवी को टैक्स फ्री करने का एक बड़ा निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कि दर्शकों के लिए कह सकते हैं इसको अच्छी खासी खबर है, क्योंकि जिस तरह से देखिए जो मूवी है द अनसंग वॉरियर, इसने इतने कम समय में काफी कमाई कर ली है। अगर हम कमाई की बात करते हैं तो लगभग 61 करोड़ से ज्यादा रुपए इसने कमाए हैं, काफी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं लोगों को। इसमें जो अजय देवगन है, काजोल का है, अभिनय काफी पसंद आ रहा है। फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर भी काफी जबरदस्त कमाई जा रही है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से देखिए फिल्म जो है वो हम लोगों के कह सकते हैं पहले के इतिहास से जुड़ी हुई थी। एक कहानी दिखाई गई है जिसमें मुगलों पर विजय करती है, तो जिसको लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने अपील करी थी कि इस मूवी को टैक्सली किया जाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कदम उठाया। बिल्कुल संदीप, ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म से जुड़े और ताकि इतिहास के बारे में जानकारी लोगों को हो, उस लिहाज से कहीं ना कहीं काफी अहम ये फिल्म है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार रिलीज होने के बाद से ही अपनी कमाई का आंकड़ा जो है वो पार कर चुकी है तानाजी फिल्म, लेकिन अब जिस तरह से योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले के बाद अगर आम जन की बात करें यूपी में, तो लोगों का क्या कुछ कहना है इस फिल्म को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने ही खुद कहा है कि ये इतिहास से जुड़ी है, क्योंकि मूवीज तो देखिए तमाम तरह की आती हैं पर उनके सब्जेक्ट जो होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो बॉलीवुड के जो कह सकते हैं प्रोड्यूसर है, या बात करते हैं अगर हम फिल्मकारों की, तो उन्होंने इतिहास को लेकर बनाई है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस आए अपने हिस्ट्री के लिए, कम से कम लोग जाने कि आखिर इतिहास में ऐसा क्या था। क्योंकि इस तरह की देखिए जो मूवीज होती हैं वो कम ही आती हैं, इसके पहले भी और तमाम तरह की मूवीज आई हैं, लेकिन अपने आप में दर्शकों का साफ तौर पर कहना यह है कि इसमें जो कहानी दिखाई गई है वो बहुत अच्छी कहानी दिखाई गई है। और दूसरी बात यह है देखिए इसमें किसी भी तरह की ना ही पॉलिटिक्स हुई, ना ही इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा एक रिव्यू आया होगा, तो लोगों को दर्शकों को बहुत अच्छी लग रही है मूवी। और वहीं टैक्स फ्री होने के बाद उनके अंदर एक खुशी की लहर है और वो धन्यवाद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार का। साफ तौर पर कहना यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मूवी पहुंचेगी और हो सकता है कि टिकटों के जो दाम होते हैं, क्योंकि देखिए टैक्स फ्री होने के बाद। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।